अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे। अच्छा तो फ्रेंड, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे मैनहोल के हवाले से। तो मैनहोल की जो ब्रिक मैसनरी और इसकी जो बाकी गुलाई का जो तरीक़ाकार है, ये एक सिवर लाइन हम डाल रहे हैं, तो इसकी जो है मैनहोल की आपको ब्रिक मैसनरी के बारे में बताएँगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं, आपको बताते हैं मैनहोल की ब्रिक मैसनरी के हवाले से। जी फ्रेंड, ये जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये मैनहोल की न्यू मैनहोल की ब्रिक मैसनरी का काम है। तो ये इसका जो इंटरनल डाया है ये 3.5 फुट है और ये इसकी हाइट जो है 5.5 फुट तक हाइट तक ये जाना है। नीचे से जो इसकी डाया है, इंटरनल डाया की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3.5 फुट बनता है और 9-9 इंच की इसकी बाद जो दीवारें बनती हैं वो बन जाएंगी। और इसके नीचे जो सबसे पहले हमने पीसीसी की है, जिसके ऊपर बाद में इसकी साइड की स्लोपिंग कर देंगे अच्छी सी। और ये पाइप जो आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन चल रही है, ये एक मैनहोल मिसिंग था, इस वजह से ये मैनहोल न्यू मैनहोल बनाना पड़ा है इस जगह पर। ये इस साथ जो घर है इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये इसकी जो नीचे से सीधी चुनाई आएगी 3.5 फुट तक, और उसके बाद ऊपर इसकी जो गुलाई का प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करते जाएंगे। और इसके ऊपर जो लगेगा नेक, इसकी पोरिंग होगी, जो रिंग इसका फिक्स होता है जिसके ऊपर इसका ढक्कन आ जाता है, तो वो 18 इंच उसका जो है इनर साइज़ बनता है। तो आप दोस्त हमारे साथ रहें एंड तक वीडियो। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका रेडियस 2 फुट बन 1 फुट 9 इंच तक बनता है। तो ये इसको घुमा के एक दफ़ा चेक कर लिया है और साथ साथ इसकी जो चिनाई का काम है ये जारी है, सारी है। और इसकी जो चिनाई के, इसकी जो एक ख़ास बात है कि इसकी जो चिनाई है अंदर से ये गोल जो लगता है, इसका अंदर डाया जो गुलाई में बनता है, तो ये बाहर से इसमें चिनाई में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है। और हर रद्दे के ऊपर इसकी जो है, ये जिस तरह बांड बनता है, ये इसका बांड बनाना पड़ता है ताकि हमारी जो ब्रिक मैसनी है इसकी मजबूती अच्छी रहे। और इसके साथ ही इसका जो है, जिस टाइम ये इसके नेक तक पोरिंग हो जाए, चिनाई हो जाएगी नेक से नीचे तक जिधर तक ये सीधी है, तो इसको साथ ही प्लास्टर का काम भी मुकम्मल कर लेंगे कि बाद में जिस टाइम इसका ऊपर से नेक थोड़ा रह जाता है तो वो नीचे वाला जो प्लास्टर है वो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। ये गोल मैनहोल लगाने का आपको फ़ायदा ये बताता हूँ कि जो सर्कुलर ब्रिक मैसनरी है, जिस तरह के हमारी आर्चें वगैरह लगती हैं सेमी सर्कल में, तो इसकी ये खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव जो है साइडों से बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है इस तरह की चिनाई। तो ये मैन सीवर लाइन का ये भी फ़ायदा है एक, कि हमें जो है अब आसानी बग़ैर किसी दिक्कत के अपने जो है सीवरेज, जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक बआसानी हम पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको पता है आजकल हाउसिंग सोसाइटियों में या बड़े शहरों में अभी ये सिस्टम बेहतरीन हो गया है। पहले तो
छोटे लेवल पर ही था, उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन जाते थे क्योंकि उसकी सीवरेज के पानी का निकासी का हिसाब किताब। अभी ये बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है और ये देख रहे हैं जैसा कि इसके एक दफ़ा ही इसके मसाले की तरह हम लगा लेते हैं और इसके ऊपर जो है ये चिनाई जो है बराबर लगाते जाएंगे। तो अभी तकरीबन इसकी सीधी जो चिनाई है ये मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद हम जो है वो गुलाई वाला आहिस्ता आहिस्ता गुलाई बनानी शुरू करेंगे और साथ ही जैसा कि आपको बताया है कि इसका प्लास्टर का जो काम है वो भी अंदर से इसका प्लास्टर का काम करते जाएंगे और ऊपर आकर अभी ये इसकी जो है गुलाई ऊपर से चेक कर लेंगे, इसकी हाइट जितनी रह गई है तो उस हिसाब से फ़र्ज़ करें अगर इधर तक हमारी 1 फुट हाइट रह गई है और इसकी गुलाई जो है 3.5 फुट है तो अभी इसे 18 इंच लेकर आना है ऊपर तक इसका जो नेक बनेगा, तो उस हिसाब से हर रद्दे के हिसाब से उसे अंदर से हम क्लोज़ करते जाएंगे और इसका जो ऊपर हमारा जो नेक है फिक्स जो है वो 18 इंच से 19 इंच तक बचना चाहिए जिसके ऊपर हमारा जो है रिंग बआसानी फ़िक्स हो जाएगा। ये अभी गुलाई हम इसकी क्लोज़ करना शुरू करेंगे और इसकी पमाइशें भी कर लेंगे। ये अभी इधर इसकी पमाइश चेक कर लेते हैं अभी इस रद्दे के हिसाब से, अभी इसे हम क्लोज़ करेंगे ऊपर हमारी हाइट 1 फुट 4 इंच से 1 फुट 6 इंच तक रह गई है और ये दोनों तरफ से इसे हम इंटे लगा कर इसका जो डाया है ये चेक कर लेंगे एक जैसा होना चाहिए, ये ना हो कि एक तरफ से गुलाई किसी तरफ घूमी हो और प्रॉपर ना लग रही हो। और ये साथ ही इसका जो है प्लास्टर का भी काम जैसा कि आपको बताया प्लास्टर का भी काम इसका मुकम्मल कर लेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी चिनाई का काम तकरीबन गुलाई भी साथ साथ करते जा रहे हैं और इसकी साथ साथ जो है अंदर से प्लास्टर भी होगा। इसका प्लास्टर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी प्लास्टर की एक जैसी मोटाई रखना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसके अंदर हम जो है प्लास्टर करने के बाद इसके अंदर सीमेंट नेगर जिसे नीरू कहते हैं वो नीचे नीचे लगा देते हैं कि सिपेज वगैरह का मसला ना हो और साथ साथ इसी तरह इसे बाहर से भी प्लास्टर करते हैं। और ये देखें अभी इसका जो ऊपर वाला जैसा कि आपको बताया था ये 18 इंच बचना चाहिए तो ये 18 इंच इसकी ऊपर से बच गया और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसकी जो नेक पोरिंग का तरीकाकार है रिंग की फिक्सिंग का, तो वो आपको जो है बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा लेंथी काम था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे साथ रहिए, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।